हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद लक्ष्मी। मैं आपकी नानी आज बहुत दिनों बाद थोड़ा शूट करने का सोचा, थोड़ा आई किचन में, क्योंकि किचन में हूँ। बट आज इसलिए नहीं क्योंकि रात हो गई है और मम्मी सो रही है। हाँ, रात हो गई है, मम्मी सोई है, बट मम्मी जल्दी आई तो वो टायर्ड हो गए तो वो सो गए हैं। पर अभी तक हम लोग ने रात का खाना नहीं खाया है। अभी 9 बज रहे हैं, 9:15 कुछ हो रहा है। तो मम्मी ने फरमाइश की कि उपमा बनाए, तो वही अभी उपमा बनाने आई हूँ मैं। और कैसे, आज जन्माष्टमी है, सो हैप्पी जन्माष्टमी एवरीबॉडी। सो जन्माष्टमी है तो इसके लिए मैं जल्दी आ गई। और मम्मी के भी काम पर उनके जो बॉस है उनका न्यू ऑफिस खुला है, सो उनका प्रवेश था, ऑफिस का पूजा था, तो उसके लिए मम्मी दोपहर को गई थी और शाम को जल्दी काम करके वो घर पर आ गई है। मतलब वो दिन भर काम पर थी आज, पर अभी आ गई है घर पर और वो रेस्ट कर रही है, सो रही है। तुम्हें पता है वो क्यों सो रही है? क्योंकि उनका फ़ोन में चार्ज नहीं था और उनको टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं था और मैं मेरे फ़ोन में काम कर रही थी, इसलिए मम्मी बोर होकर सो गई है। वो ऐसे नहीं सोती कभी, वो फ़ोन स्क्रोल करते रहती है, बट आज उनके पास ऑप्शन नहीं था तो मम्मी इसलिए सोई है, नहीं तो मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं सोती इस टाइम पर। तो बिल्कुल नहीं है, खाने वाने की सो रही थी। तो मैं मेरे आधा फ्रीजर दिखा रही हूँ आपको। आई डोंट नो, ये आपको वियर्ड लगता होगा कि बट हम रवा फ्रीजर में रखते हैं। ये मैंने गलती से रख दिया था कि मम्मी ने बोला रखने, मुझे नहीं पता, बट हम हमेशा फ्रीजर में ही रखते हैं रवा। तो फ्रीजर से निकाल लिया रवा, अब एक कप में मैं मेजर कर लेती हूँ और उसे भूनने रख देती हूँ फॉर आवर उपमा। मैंने फोन सेटअप कुछ अजीब तरह से किया है जो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं गैस ऑन करूँगी मैं वहाँ नहीं रख सकती। अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरी बहन की देन उस ट्राईपॉड पे मैंने लगाया अपना फ़ोन, बट अनफॉर्चुनेटली ट्राईपॉड मिलने के थोड़े दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो उसके एग्ज़ाम के बाद जॉब हंटिंग, उसके बाद जॉब स्टार्ट हो गए और इतना व्लॉगिंग हम कर ही नहीं पाए कि वो क्या बोलते ना, जो हमारी स्टैंड है क्या बोलते हैं, इनको ट्राईपॉड्स यूज़ कर पाए, हम लोगों ने ज़्यादा किया है। तो हम दोनों को ये एक कप इज इनफ। हम दोनों ड्राई रोस्ट देम एंड देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैं साइड में रख देती हूँ, अभी आपसे बात कर लेती हूँ। तो उसके लिए अनियन निकाल लेती हूँ। मम्मी ने ना बारिश जल्दी मतलब ज़्यादा होने के पहले ही बहुत सारे अनियंस किलो किलो में ले लिया, तभी सस्ता मिलता है करके। नहीं तो बारिश स्टार्ट हुई तो अनियन का प्राइस 100 रुपीज़ केजीज जाता है। अभी आई डोंट थिंक वैसा है, मैं मार्केट जाती नहीं तो मैं मार्केट की बात कर रही हूँ। मैं कभी मार्केट में सब्जी खरीदने नहीं जाती, मम्मी ने बिगाड़ के रखा है, मान लेती हूँ। मम्मी हमेशा सब्जियाँ लेती हैं। उसके बाद हमारी मिर्च और कड़ी पत्ता और धनिया चाहिए, धनिया तो लास्ट में ले लूँगी मैं। चलो अभी प्याज भी स्टार्ट हुई लेती हूँ, प्रिपरेशन कर लेती हूँ, आपसे बात करते करते और उसके बाद बात करते हैं। और उसके बाद पकाना स्टार्ट करूँगी तो मैं कैमरा हटा दूँगी यहाँ से। फिर अभी सब ठीक होने आ रहा है, सब नॉर्मल हो रहा है। नानी की तबीयत ठीक नहीं है बट अभी एडजस्ट करना हम लोग आदत पड़ गया है, तो अभी एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा जब भी टाइम मिले तभी हम थोड़ा थोड़ा ब्लॉग करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग कि हमें थोड़े पीआर्स मिले हैं, थैंक्स टू यू, आप सभी के वजह से ही। आप सभी हमारे व्लॉग्स और वीडियोस हमेशा देखते थे और हमें सपोर्ट करते थे, तो उसके वजह से ही हमें सब पीआर्स मिले। जैसे आपको पता है, जैसे मम्मी हमेशा मेरा क्या बोलते हैं ना, मेकअप का सामान, मेकअप नहीं होता है वो, बस स्किन केयर विन केयर सब होता है, पूरा सामान हमेशा एक्सपोज करने के पीछे पड़ी होती है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि मुझे थोड़ा है ऑब्सेशन इस चीज़ से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो थैंकफुली बहुत सारी ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे हमें ब्रांड ने कांटेक्ट करके हमें भेजे और ट्राई करने के लिए बोला, और बोला इफ़ यू लाइक आप उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो अभी मैं थोड़ी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, थैंकफुली आपके वजह से थोड़े प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, और यूज़ करके उसके बाद रिव्यू देने का बोला। और अब मैं भी सोची कि पहले यूज़ कर लूँ, क्योंकि मेरी स्किन मोस्ट कॉमन स्किन टाइप है, इट्स लाइक ऑयली स्किन टाइप जो जल्दी टैन हो जाती है, और मेरी स्किन टोन भी बहुत कॉमन स्किन टोन है। मेरी स्किन टोन के लोग ज़्यादा
मोस्टली तो दिखाते भी नहीं है क्योंकि डार्क है हम लोग, बट ये मोस्ट कॉमन स्किन टोन है तो भी ये ज़्यादा दिखती नहीं, ये स्किन टोन पे कोई लोग ज़्यादा बनाते नहीं है। सो मेरा स्किन टोन और मेरा जो स्किन टेक्सचर है वो मोस्ट कॉमनली लड़की को होता है, तो मैं कोई चीज़ ट्राई करके आपको बताई तो आपको पसंद आए इसलिए, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें भेजा जो अभी मैं आपको रफली दिखा देती हूँ। रुपए से ये मेरी बास्केट है जिसको मैं अभी एक्सपोज कर रही हूँ। मैं इसमें बस उनकी ही चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। एंड यस मेरे पास थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पर इसमें सब कुछ है, लाइक हेयर केयर, उसके बाद स्किन केयर, उसके बाद परफ्यूम, सभी परफ्यूम के 2-3 बॉटल है, बॉडी ऑयल सब कुछ इसमें पड़ा है। बट इसमें ये जो चीज़ें जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि जब वो अच्छे से वर्क करे तभी मैं उनके बारे में बताऊँ। तो अभी मैं ये सब यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए मैं इस बॉक्स में रखी हूँ क्योंकि यही मोस्टली मैं लगाती हूँ। इसमें मेरे कोम वीम से लेके सब कुछ है जो मैं डेली के लिए यूज़ करती हूँ, सब कुछ होता है। तो इसमें ही मेरे प्रोडक्ट्स है, तो यूज़ करके मैं आपको बाद में बताऊँगी। पर यही था, यही है मेरा बास्केट जिसमें मोस्टली मेरी चीज़ें होती है जो मम्मी हमेशा दिखाने की कोशिश करती है, बट मैं दिखाने नहीं देती। कभी ना कभी दिखा दूँगी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है, बट लेट्स सी, रख देती हूँ। एक बॉडी मिस्ट है फ्रॉम प्लम, दिस इज इन द फ्लेवर ऑफ वेनिला वाइब्स। मैं ब्यूटी गुरुज नहीं, बट मोस्टली ऐसा मेकअप कंटेंट प्लस लाइफस्टाइल कंटेंट वैसे टाइप का देखती हूँ ना, तो उसमें आई गेस सभी यूट्यूबर्स ने रेव किया है। मानसी ने, मानसी माओ ने रेव किया है, उसके बाद क्वकी ने, अनिंदिता, मैंने अनिंदिता का कल ही वीडियो देखा था, उसने भी वो उसमें बोला था। और मेरी फेवरेट सारा सरोवर, शीज माई फेवरेट, वो मुंबई में रहती है, उनकी मैं व्लॉग हमेशा देखती हूँ, लव हर व्लॉग्स। और उसके बाद और एक है मृदुल शर्मा, देखो मुझे नाम, मृदुल शर्मा एंड मृदुल शर्मा, सारा सरोज एंड क्वकी मैसेज माय बेस्ट। और मैं उनका मोस्टली बहुत सारी चीज़ें उनका सुन के मैंने खरीद लिया है और वो मुझे पसंद आई है। और ऐसा नहीं कि मैं अकेले यूज़ करती, मम्मी भी यूज़ करती, तो ये उसमें से एक बॉडी मिस्टर जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और ये स्मेल बहुत अच्छा करता है। हाँ हाँ सची में, आपको कोई बॉडी मिस्ट या परफ्यूम लेना तब ये ले सकते हो, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैं ऑफिस में लगाती हूँ, शाम तक वो होता है, और ऐसा नहीं कि मुझे ही वो स्मेल आ रहा है, लोगों को भी स्मेल आता है, तो ये बहुत अच्छा। और मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिला था, मुझे याद है दिस इज 1 for 525 और मुझे 2 मिला फॉर 525। बताती हूँ कौन सा वाला दूसरा मिला, मुझे 500 में ही मुझे 2 मिल गए थे। दिस इज पर फॉर 525, एक पर 525 का, बट मुझे 2 मिले। सेकेंड द मो, ये जो प्लम की बॉडी में सुनोगे ना, आपको ये 2 प्रोडक्ट मोस्टली दिखेंगे। सो फर्स्ट इज वनीला वाइप्स, मैं नाम भूल जाती हूँ, मैं वनीला बुलाती हूँ, वाइप्स का नाम मैं लेती नहीं हूँ। और सेकेंड इज हवाई लुम्बा, ये भी बहुत सारे, आपने बहुत सारे के ब्लॉग्स और वीडियोस में देखे होंगे, सब ने इनके बारे में बोला। आप ब्यूटी गुरु या लाइफ स्टाइल ब्लॉग देखते होंगे ना, उन्होंने कभी ना कभी बताया होंगे, उनका ही सुन के मैंने लिया। ये मेरा फेवरेट है, ये मम्मी का फेवरेट है, ये मम्मी यूज़ करती है, मैं यूज़ करती हूँ, हम दोनों हमेशा ये यूज़ करते हैं। मम्मी को भी परफ्यूम पसंद है, ये थोड़ा स्वीट टाइप का और ये थोड़ा अच्छा टाइप का, मम्मी भी यूज़ कर सकती है, तो मम्मी मोस्टली ये यूज़ करती है और मैं ये यूज़ करती हूँ, हम दोनों मस्त ये परफ्यूम लगाते हैं। तो मेरे कलेक्शन में से मैंने आपको कुछ तो दिखा दिया, क्योंकि मम्मी दिखाने के तो पीछे पड़ गई थी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, आपको लेना तो आप भी ले सकते हो। और कैसे लगा था, प्लम पे कुछ तो ऑफर चल रहा था, मैं वेबसाइट से ली हूँ, प्लम के वेबसाइट पे ऑफर चल रहा था, क्योंकि उनका बर्थडे मंथ कुछ तो था वो था, एंड प्लस मैं फर्स्ट टाइम उनके वेबसाइट से यूज़ कर रही थी तो मुझे कूपन मिला। और उनका ये कॉम्बो ही सम 650 समथिंग का था, बट मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल के बस 500 में एक के जगह 2 मिल गए, मस्त ना। ठीक है, अभी रख देती हूँ और मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी उठी है, मुझे मारूंगी। मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कैसा है ना, ये दिखाओ कि नहीं, मैं वो सोचती हूँ लोग समझेंगे कितना ओवर चीज़ें लगाती है, सब लोग लगाते हैं, बट परफ्यूम मोस्टली हम दोनों भी लगाते हैं, मम्मी को और मेरे को भी बहुत पसंद है। हमारे घर में 4 होंगे, ये 2 और एक वाटर गर्ल,
और दो तीन है, बहुत सारे एंगेज का है, बहुत सारे परफ्यूम्स है, हम बहुत सारे परफ्यूम ऐसे लगाते रहते हैं और ख़त्म भी होते रहते हैं। सो परफ्यूम्स तो मम्मी भी है, और दो तीन उनके रिकमेंडेशन है जो मैं अगले वीडियो में दिखाती हूँ। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो। आपको ऐसे ब्यूटी कंटेंट का चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके देखिए, उसमें मैं डीपली इन ब्यूटी कंटेंट्स के बारे में बताऊंगी। इसमें बताने का मम्मी के इसमें सब मिक्स है, तो अभी ये मेरे फेवरेट है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने कभी ऐसा प्रमोट वमोट नहीं किया कभी, या मतलब ये प्रमोशन नहीं है उन दो बॉडी मिस्ट का, प्लम से मुझे कुछ नहीं आया है, बट मैं बता रही हूँ कि मेरा बहुत फेवरेट है, मैंने दूसरों का सुन के लिया और मुझे बहुत पसंद आया और मम्मी को भी पसंद आया, इसलिए मैं आपको भी बता रही थी। आगे जाके भगवान लक हुआ तो मिल भी जाएगा हमें प्लम से भी। बस कॉस अब बाय द वे मैम, आई एम चॉपिंग अनियन, अभी तक मैंने रोना स्टार्ट तो नहीं किया, दो मिनट में कर दूंगी, दो मिनट में क्या अभी स्टार्ट हो गया मेरा थक गए। बट मैं सच्ची कुकिंग बहुत कम हो गया मेरा, बहुत मतलब बहुत कम, मैंने धो लिया है, मैं तो अब समझो धोया नहीं, मैंने धो लिया सब। मेरा ना कुकिंग बहुत कम हो गया है, मतलब मैं ही कुक करती थी, अभी मोस्टली मम्मी ही कुक करती है, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद लंच मम्मी मेरे लिए रेडी कर देती हूँ और दोपहर को आने के बाद भी मम्मी कुछ बना देती है, वही हम दोनों रात को खाते हैं। आज मेरी मम्मी बिजी थी सो मम्मी ने बोला कि मैं बना, सो मैं बना लेती हूँ फटाफट और फिर सबसे मिलती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी सो रही है बेचारी, इतना देर मेरा आवाज़ सुन के सो रही है, ऐसा उठती नहीं है, उनका आदत पड़ गई, क्योंकि मैं हमेशा ना ऐसा टाइम पे ना मेरी बहन से या मेरी बेस्टी से बात करते रहते हैं, उनका आदत पड़ गई कि मैं बैकग्राउंड में बात करते करते वो सो जाए, इसलिए चलो मैं आपसे मिलती हूँ उपमा बनाने के बाद। मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, बनाना स्टार्ट करेंगे, वो जो 1 कप रवा है वो डालेंगे, मुझे ज़्यादा लग रहा है रवा, लेट सी बाद में देखते हैं। हाँ गैस पर मेरे घर में ये स्पून निकले हो, सिद्धू की बात ना हो तो कैसे चलेगा, आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ वापस। सिद्धू हमारे एक सब्सक्राइबर है जो हमारे नेबरहुड में रहता है, नेबरहुड में नहीं बोल सकते, सेम सिटीज़ में, सिटी में रहता है, तो उसने उसे वो कोइंसिडेंसली मेरे क्लासेस में पढ़ता था और उसने मुझे पहचाना, आई एम सो हैप्पी, मैं भूल नहीं सकती जब वो मुझे पहचाना था वहाँ, तो तब से हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई और हमारी वीडियो जैसा रेगुलर देखता था, तो उसमें एक बार उसने मुझे मतलब मम्मी को ऐसे वुडन स्पून गिफ्ट किए, हम कंप्लेंट किसी ने तो हमारे वीडियो के नीचे भी बोला था नॉन स्टिक पैन में वुडन स्पून यूज़ कीजिए, बट हमारे पास नहीं था और हमें मिल भी नहीं रहा था, ही वॉज काइंड इनफ टू गिफ्ट अस वुडन स्पून, वो मुझसे भी छोटा है 3 साल, तो भी ही इज़ वेरी थॉटफुल, थैंक यू सिद्धू। अगर जब भी ये निकलता है तो मेरा नाम मेरे घर पे निकलता ही है कि वुडन स्पून सिद्धू ने दिया। चलो ये रोस्ट होने दे देते फटाफट, मैं फास्ट गैस पर रोस्ट कर लेती हूँ, अभी आप हमारा एक टाइम लैप देख लीजिए, मैं बढ़ती रहूँगी तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो देखिए अभी एक टाइम लैप। ऑलमोस्ट बन चुका, बस धनिया विनिया डालना है, पोहा बोल उपमा, इतना कुछ खास उपमान तो बनाया नहीं है मैंने, पर ठीक ठाक बनाया है। अचानक ऐसा लग रहा है लाइट आई क्योंकि मैंने पर्दा उठा लिया, लाइटिंग अच्छी लग रही है, पहले ही उठा देना चाहिए था, क्या करें। तो अभी मम्मी फिलहाल अभी भी नहीं उठी है, तो मैं ब्लॉग ख़त्म करते करती कि 11 बजेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मम्मी 11 बजे ही उठेंगी, तो ये कल सैटरडे थोड़ा लेट निकलती है तो थोड़ा लेट उठ सकती है वो, तो
यही मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। जस्ट एक छोटा सा चिट चैट था, बहुत दिनों से आपसे मैंने नहीं बात की और मम्मी और हम साथ साथ में आने के नाम पे हम लोग वीडियो बना ही नहीं पाते, तो इसलिए सोचा कि आज मैं ही वीडियो बनाऊँ, यही आपको दिखाऊँ कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं हमेशा ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ, बट देखेंगे। तो यही था आज का वीडियो, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।